Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a very interesting topic, that is examination reforms. And this time I am going to discuss the examination reforms in the light of various national curricular frameworks which has been published in the India time to time, that is 1975, 1988, 2000, 2005, and the very latest 2023. And the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for all the stakeholders of education. First of all, examination reforms need. Pariksha pranali mein sudhar, uski avishyakta kya hai? परीक्षा प्रणाली में सुधार ये ऐसा टॉपिक है जो हमको हर लेवल पे पढ़ना है, प्राइमरी एजुकेशन में भी जानना है, सेकेंडरी में भी जानना है, हायर में भी जानना है. तो मोर और लेस रिफॉर्म एक ही है, एक ही तरीके की बात की गई है. आपको आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, आपसे प्राइमरी में पूछा जाए तो, सेकेंडरी में और हायर में तो, जिसमें कि सेकेंडरी और हायर में आई थिंक मैं बात कर चुकी हूँ, ये प्राइमरी ही रह गया था. तो हम बात वहीं से शुरू करते हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या हुई, जितने जो हमारी शिक्षा के कमीशंस कमेटीज बने उन्होंने क्या कहा है एग्जामिनेशन पर. तो शुरुआती दौर से द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 एक्सप्रेस्ड, यानी कि 1902 में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का जो पहला भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था उसने क्या किया, एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फेक्शन, उसने अपनी असंतुष्टि जाहिर की ओवर द एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली पे. मतलब आज की दिक्कत नहीं है, ये सैकड़ों साल पुरानी है. एंड सजेस्टेड ड्रेस्टिक चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्जामिनेशन, उसने कहा मतलब सुधार सुझाव दिए, ड्रेस्टिक चेंजेस मतलब बिल्कुल बदलने की बात की उसने, एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव में आप चेंज कीजिए. द कमेटी हैज पेनफुली ऑब्जर्व, उस कमेटी ने ऑब्जर्व किया, ये प्रेक्षण किया, ये उसने देखा, द ग्रेटेस्ट इविल फ्रॉम विच द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया सफर्स इज that the teaching is subordinated to the examination and not the examination to the teaching. उस वक्त ये कहा गया, उन्होंने पाया कि ये सबसे ज़्यादा बुराई उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में पाई. उन्होंने पाया कि टीचिंग जो है एग्जामिनेशन से सबऑर्डिनेट, एग्जामिनेशन से कमतर है, एग्जामिनेशन से नीचे है. और एग्जामिनेशन टीचिंग से भाई क्या होना चाहिए, कि टीचिंग सुपीरियर हो, एग्जामिनेशन उसका उससे इंफीरियर हो. पर हो क्या रहा था कि एग्जामिनेशन सुपीरियर था और टीचिंग उसके सबऑर्डिनेटेड थी. तो ये इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 ने पाया. फिर भारतवर्ष में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहला आयोग बना, राधाकृष्णन कमीशन, जिसको कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, सबको पता है. तो 1948 में आया, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी. इसने कहा, हैज रिमार्क, उसने टिप्पणी की, दैट वी आर कन्विंस्ड दैट इफ वी आर टू सजेस्ट एनी सिंगल रिफॉर्म इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन इट वुड बी दैट ऑफ एग्जामिनेशन. मतलब चूंकि विश्वविद्यालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए वो कमीशन बनाया गया कि अपने आप सुझाव दीजिए, आप देखिए क्या है, क्या स्थिति है. तो उन्होंने पाया कि अगर उनसे एक लाइन में कहा जाए कि कोई एक सुधार आप बता दीजिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा हम परीक्षा को बताएंगे, क्योंकि परीक्षा में इतनी खामियां थी. द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1952-53 मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, सब जानते हैं, ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड, इसने भी पाया कि जो परीक्षा है उसमें लैक ऑफ है, मतलब कमी है. किसकी कमी है, वो वैध नहीं है, विश्वसनीय नहीं है और वस्तुनिष्ठ नहीं है. यानी कि परीक्षा वैध, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, ये भी बात यहाँ से समझ में आती है. फिर कोठारी कमीशन आता है 1964-66 में, जिसको एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं. बहुत बहुत व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इसने अपनी सबमिट की, और इसने क्या कहा, इसने भी कुछ कहा. क्या कहा, विच डेल्ट विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म्स, रिमार्क दैट इन द प्रेजेंट सिस्टम द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट इज डिसाइडेड बाय अ सिंगल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर विच इज नॉट गुड. उसने कहा कि जो हम एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसने पाया कि भविष्य जो है छात्रों का वो इस पर निर्भर करता है कि साल के अंत में एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा और उसी पर छात्र का भविष्य टिका हुआ है, ये ठीक बात नहीं है. मतलब यहाँ से शुरू हुए क्या रिफॉर्म्स. तो इसमें एक बात और बताने योग्य है कि 1976 में जब शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आई है ना, यानी कि राज्य समवर्ती सूची में आ गई, जब कहा गया कि राज्य और केंद्र दोनों शिक्षा के को नियंत्रित करेंगे, उसको गवर्न करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, उसके पहले वो स्टेट का हिस्सा थी. मतलब स्टेट ही उसको गवर्न कर रहा था, केंद्र का उसमें कोई रोल नहीं था. तो जब ये बातचीत चल रही थी तो ही ये पहला नेशनल करिकुलम, तभी तो नेशनल आया ना शब्द, इसके पहले तो स्टेट गवर्न कर रहा था, नेशन की कोई बात ही नहीं थी. तो ये कहा गया कि एनसीईआरटी को ये काम दिया गया कि आप करिकुलर फ्रेमवर्क बनाएं, आप पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाएं. और 1975 में ये पहली नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क भारतवर्ष में आ रही है.
और इसने क्या क्या कहा। इसी तरह से 1988 में आई, फिर 2000 में आई, 2005 में आई, 2023 में आई, सबके मैंने परीक्षा, वैसे तो इसने सब कुछ कहा है, करिकुलम के बारे में बात की है। अच्छा हाँ, एक बहुत खास बात, सभी करिकुलर फ्रेमवर्क वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, हमको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस देने हैं, उसको कोई ना कोई स्किल सिखानी है। हर करिकुलर फ्रेमवर्क मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की भी बात कर रहा है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इनपुट भी आ रहा है 2023 वाले में, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो जो पहला 1975 में आया वो क्या कह रहा है, देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन रिफॉर्म के संदर्भ में लिया है, वरना बहुत बहुत ये बड़े व्यापक लेंदी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसने कहा कि इवेल्युएशन शुड बी डन, क्योंकि हम प्राइमरी एजुकेशन में एग्जामिनेशन रिफॉर्म पढ़ना चाह रहे हैं और एनसीईआरटी का स्कूल एजुकेशन से लेना देना है, तो ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का पर्पज सॉल्व करेगा। तो इन्होंने कहा कि इवेल्युएशन शुड बी डन विद ए वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल एंड ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल एटसेट्रा, to measure different objectives and content and variety of ways of testing and not just essay type test। मतलब ये कह रहे हैं कि आप बहुत तरीके से evaluation कीजिए ना, आप जो बच्चे का मूल्यांकन है वो कई तरीके के, इसमें tools और techniques लगाइए, आप written भी लिखवा लीजिए, कुछ practical exam करा लीजिए, कुछ oral पूछ लीजिए, कुछ आप बच्चे को देख के भी observation से भी उसके बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं, कुछ rating scale करवा लीजिए, ताकि हम बहुत तरीके के objectives और content को cover कर सकें। और बहुत तरीके से पूछिए, मतलब सिर्फ ऐसे type मत पूछिए, short answer पूछ लीजिए, MCQ पूछ लीजिए, इस तरीके की बात नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 1975 में कह रहा है। तो आप जितने सुधार पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि एक्चुअली ये अब सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं, अब हमसे कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। फिर इवेल्युएशन शुड बी एट सेवरल पॉइंट्स इन टाइम, क्योंकि कोठारी कमीशन ने भी कह दिया था कि एक आप साल के अंत में एग्जाम लेते हैं और उसी से आप बच्चे का भविष्य निर्धारित कर देते हैं। हो सकता है उस एक एग्जाम में बच्चा अच्छा से परफॉर्म ना कर पाया हो, उसके घर में कोई दिक्कत हो गई हो, उसकी तबीयत नहीं ठीक हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो उसके घर में, उसके पहले आपने पूरे साल कोई एग्जामिनेशन उसका लिया नहीं, कोई आपने रिकॉर्ड डेटा रखा नहीं, तो इसलिए कहा गया, सुझाया गया कि आप कई बार लीजिए, सेवरल पॉइंट्स इन टाइम, कई बार ले लीजिए, कई बिंदुओं पर ले लीजिए। इट शुड नॉट बी अ वन शॉट अफेयर एट द एंड ऑफ द सिक्स मंथ्स और वन ईयर, बिकॉज इट्स पर्पज इज टू गिव इमीडिएट फीडबैक टू पीपल्स एंड टीचर्स। देखिए ये बात बार बार आ रही है, और ये भी बात ध्यान देने की है कि अब एग्जामिनेशन नहीं बल्कि इवेल्युएशन कहा जाता है, क्योंकि इवेल्युएशन ब्रॉडर टर्म है, ये क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों आस्पेक्ट कवर करता है। तो कहा गया कि जो मूल्यांकन है बच्चे का वो वन शॉट अफेयर ना हो कि छः महीने में एक बार, साल भर में एक बार, ऐसे मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इवेल्युएशन का प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम इमीडिएट फीडबैक दे सकें, तुरंत प्रतिपुष्टि दे सकें, तुरंत बता सकें किसको, शिष्य को, कि वो कितना जान रहा है, कितना उसने सीख लिया है, कहाँ कहाँ कमी है उसको डायग्नोज कर सकें, और टीचर को कि वो कैसा पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा होगा तो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जनरली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। फिर वो कह रहा है कि द मोड ऑफ इवेल्युएशन हैज टू बी सच दैट स्टूडेंट्स आर डिसकरेज्ड फ्रॉम मेमोराइजेशन एंड बिकम कॉम्पिटेंट टू अप्लाई देयर नॉलेज इन हैंडलिंग न्यू सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स। वो कह रहा है कि आप मूल्यांकन का तरीका वो चुनिए जिससे जो विद्यार्थी हैं वो हतोत्साहित हों रटने से, मेमोराइज करके ना जाए। मतलब क्या है, मतलब ये आप मेमोरी पे बेस्ड सवाल मत पूछिए, एंड बिकम कॉम्पिटेंट, और वो दक्ष बन सकें किसमें, ताकि वो अपने सीखे हुए ज्ञान को नई सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। एवरीबडी नोज अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। फिर ये कह रहे हैं कि एट द प्राइमरी स्टेज नो रिजिड सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन शुड बी इम्पोज्ड ऑन स्टूडेंट्स। ये हमारा एकदम परफेक्ट ये मतलब नोट लगा के ये प्राइमरी एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए ही है, कि कह रहे हैं कि इस स्तर पर बच्चा छोटा है, आप उसे कोई रिजिड तरीके का मत लीजिए कि आज ही के दिन इतने से इतने बजे के बीच में ही तुम्हारा एग्जाम या इवेल्युएशन होगा, उसको कई बार ले लीजिए, कई तरीके से ले लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, फ्लेक्सिबल कर लीजिए। फिर कह रहे हैं कि द स्कूल्स क्यूमुलेटिव असेसमेंट इन ईच सब्जेक्ट और यूनिट शुड बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड एंड गिवन टू ईच स्टूडेंट। आप कह रहे हैं कि क्यूमुलेटिव यानी कि सारा जोड़ के, जितना आप लेते जा रहे हैं बार बार उसको आप जोड़ लीजिए और हर उसको रिकॉर्ड बना के रखिए, हर बच्चे को दीजिए। इट शुड कवर बोथ स्कॉलेस्टिक एंड नॉन स्कॉलेस्टिक एरियाज, और इसमें मतलब विद्यालयी और गैर विद्यालयी दोनों क्षेत्रों को आपको कवर करना चाहिए। इसीलिए आजकल करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर इन सब की बात होती है, क्योंकि अब सीसीई के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, मतलब सीसीई के मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात की जाती है। देयर शुड बी नो पास और फेल इन द फाइनल स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, और ये उस वक्त कहा गया कि आप बच्चे के फाइनल स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में ये मत लिखिए कि वो पास हो गया या फेल हो गया। इसी के बाद ग्रेडिंग की बात आई कि आप उसको मार्क्स मत दीजिए, ग्रेड दे दीजिए कि उसने अच्छा परफॉर्म किया कि कम अच्छा किया कि और कम अच्छा किया। ठीक है,
सॉरी हाँ, फिर नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 1988 आता है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन द डेवलपमेंट एंड असेसमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज एंड डिजायर्ड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज रादर देन रोट मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स। ये कह रहे हैं कि ज़्यादा आप एम्फेसिस इस पर दीजिए, महत्व इसको दीजिए कि हमको बच्चे के अंतर्गत बेसिक स्किल यानी कॉम्पिटेंसीज, दक्षताएँ, उसका एटीट्यूड और वैल्यूज हमको डिजायरेबल लेवल पर ले जाना है, ना कि हमको उसको बुक्स से, किताबों से सिर्फ सूचनाएं एकत्रित करवा के रटवानी है। इसका मतलब कि एग्जामिनेशन मेमोरी बेस्ड नहीं होना चाहिए, यही बात 1988 में भी कही गई, 1975 में भी कही गई। फिर ये कह रहे हैं कि सफिशिएंट एविडेंस शुड बी कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑब्जर्वेशंस एंड अदर टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रिपेयर प्रोफाइल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी लर्नर। वो कह रहे हैं कि आप इतने एविडेंस ले आइए, पर्याप्त प्रमाण आप इकट्ठा कीजिए, इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल तरीके से बच्चे का परीक्षण करके, विद्यार्थी का परीक्षण करके, और एंड अदर टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रिपेयर ए प्रोफाइल, जिससे कि आप एक प्रोफाइल बना सकें उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास की आप प्रोफाइल बना लीजिए विद्यार्थी की। फिर आपको देखिए हमेशा ध्यान दिया करिए, जैसे ये करिकुलर फ्रेमवर्क आया है 88 में, तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है उसके पहले, तो ये किसके लाइट में बना होगा, 1986 की शिक्षा नीति के प्रकाश में ही बना होगा ये, तो इसमें ये जिक्र आएगा ये 1986 का। तो एनपी 1986 ने कहा ही था कि आप एक पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल अप्रोच इवोल्यूशन के लिए अपनाइए, यानी कि फिक्स मत रहिए, रिजिड मत रहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होइए, बच्चे को ऑप्शंस दीजिए, कई तरीके से पूछिए, बार बार पूछिए इस तरीके से। फिर द डिज़ाइन ऑफ द पेपर विल हैव टू बी इम्प्रूव, कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर का भी डिज़ाइन आप बढ़िया कर दीजिए, अच्छा नहीं आता है क्वेश्चन पेपर, क्या उसमें बुराई होती है, द इलिमिनेशन ऑफ द एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ चांस फैक्टर, पढ़ा या नहीं पढ़ा, इतने ऑप्शन दे दिए आपने एमसीक्यू में, इतने सरल सरल ऑप्शन दे दिए, बाकी जो गलत है वो इतना अलग है कि सभी को पता चल रहा है कि वो तो नहीं हो सकता, तो इस तरीके के चांस फैक्टर का इलिमिनेशन कर दीजिए, एंड सब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिव बायस भी हटाइए, एंड द डी इम्फेसिस ऑफ मेमोराइजेशन, फिर मेमोराइजेशन की बात हो गई, और हमको रटने की विद्या को कम करना है, उसकी महत्ता को खत्म करना है एग्जामिनेशन या इवेल्युएशन सिस्टम से। और क्या कहा गया, द सिस्टम ऑफ क्रेडिट्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एरियाज नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो आपकी 1988 में आई है वो क्रेडिट की बात कर रही है, हम अब बात कर रहे हैं क्रेडिट बेस्ड CBCS, और अब जाके थोड़ा सा पॉपुलर हुआ है, लोगों की जबान पे चढ़ा है, लेकिन 1988 में ही क्रेडिट्स की बात की कर दी गई थी कि आप क्रेडिट बेस्ड पढ़ाइए, सिस्टम में क्रेडिट का सिस्टम इंट्रोड्यूस कीजिए। फिर नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2000 और 2005 में जल्दी जल्दी आए, बल्कि 2005 का तो नाम ही नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन से करके है। क्या कहा इन्होंने, ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन कैन बी मेंटेन्ड, मतलब का आपको सतत मूल्यांकन करते रहना, कह रहे हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक, लगातार करते रहना है, व्यापक करना है, मतलब सिर्फ स्कॉलेस्टिक नहीं करना है, नॉन स्कॉलेस्टिक भी करना है, उसकी पर्सनैलिटी भी देखिए, इंटरेस्ट भी देखिए, एप्टीट्यूड भी देखिए, एटीट्यूड भी देखिए, सब देखिए। तो ये कह रहे हैं कि आप कंटिन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन को मेंटेन रखिए, कैसे, क्योंकि आप पीरियोडिकल मतलब थोड़े थोड़े पीरियड पे, नियमित समयांतराल पे उसका आकलन करते रहिए, टू बी यूटिलाइज्ड फॉर डायग्नोजिंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, इससे क्या होगा कि आपको वो एरिया पता चल जाएंगे जहां उसको दिक्कत आ रही है, एंड अरेंजिंग फॉर रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, और आप उसके लिए कोई रेमेडी प्रदान कर सकते हैं, कोई उपचार दे सकते हैं, उपचारात्मक प्रशिक्षण उसको, उपचारात्मक अनुदेशन दिया जा सकता है। फिर द इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑट टू बी डीमिस्टिफाइड एंड मेड ट्रांसपेरेंट बाय टेकिंग पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी इनटू कॉन्फिडेंस, और वो कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस को आप ट्रांसपेरेंट बना लीजिए, उसमें पेरेंट कम्युनिटी इनका भी, इनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर बनाइए। फिर ये क्या कह रहे हैं कि एनालाइजेस एंड इंटरप्रिटेशन of the pieces of evidence collected through both the formative and summative, अच्छा इसी वक्त formative और summative evaluation की भी बात आ गई। formative evaluation क्या होता है, एकदम एक लाइन में आप बेसिक अंतर जानना चाहें तो जिसके जो बार बार आप लेते हैं, सतत लेते हैं, थोड़े थोड़े समय अंतराल पे लेते हैं, और जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि फीडबैक दिया जा सके प्यूपिल को भी, टीचर को भी, जबकि समेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस ये होता है कि आप बच्चे को मतलब नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं कि नहीं, पूरा जोड़ के आप उसको बता रहे हैं ग्रेडिंग की, हाँ यू कैन बी क्या अपग्रेडेड टू द नेक्स्ट क्लास और नॉट, समथिंग लाइक दैट। ओके, और इन्होंने कहा इसको तीन तरीके से आप देख सकते हैं, पहला क्या है, फर्स्ट वाई असेसिंग द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कंसर्निंग देयर सेल्फ, पहला बच्चे अपने आप मतलब विद्यार्थी अपने आप से तुलना करके देखे सेल्फ रेफरेंस कि उसने कितना सीखा, दूसरा को क्राइटेरिया जो टीचर ने बनाया उसके हिसाब से देखे टीचर क्या मान के चल रही है बच्चे को कितना सीखना चाहिए, और तीसरा क्राइटेरिया जो पीयर ग्रुप जो आपका दोस्त आपके दोस्त जो बनाते हैं कि ठीक है वो नॉर्म रेफरेंस है, मतलब प्रोग्रेस मेड बाय देयर पीयर ग्रुप, नॉर्म रेफरेंस का भी मतलब है कि आप जिस क्लास में बैठते हैं आपका जो पीयर ग्रुप है उसके सापेक्ष आपने कैसा
का प्रदर्शन किया है। तो सेल्फ रेफरेंस्ड, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड और नॉर्म रेफरेंस, ये तीनों तरीके का रेफरेंस आना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा सॉरी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कहती है कि एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट मस्ट बी क्रेडिबल, ये क्रेडिबल होने चाहिए यानी कि आप उनकी सत्यता पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को, एंड बेस्ड ऑन वैलिड वेज ऑफ गेजिंग लर्निंग, और ये वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए जिससे कि हम ये जज कर पाए कि बच्चे ने कितना सीखा है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स अबाउट ए चाइल्ड्स वेरियस आस्पेक्ट, आपके वो कह रहे हैं कि आप बहुत सारे आस्पेक्ट को देखिए ना, क्यों सिर्फ बच्चे को मैथ्स में कितने नंबर मिले हैं से मतलब है, आप उसकी हेल्थ के बारे में भी देखिए, उसका भी रिकॉर्ड रखिए उसके प्रोग्रेस कार्ड पे, फिजिकल फिटनेस में वो कितना बढ़िया है, उसकी गेम्स में क्या एबिलिटी है, सोशल स्किल्स में वो कैसा है, एबिलिटी आर्ट और क्राफ्ट में उसकी क्या एबिलिटी है, ये सब कवर कीजिए और आप देखते हैं कि अब के बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं वो इसी तरीके के बनने लगे हैं। तो ये इतना एग्जामिनेशन में रिफॉर्म में सुधार हो गया है। हम लोगों के जब समय जब रिपोर्ट कार्ड आता था तो सिर्फ विषय विषय के नंबर और कुछ आगे पीछे उसमें नहीं, कोई को करिकुलर एक्टिविटी का हिसाब किताब नहीं, कोई पर्सनैलिटी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्कॉलेस्टिक होता था। तो ये धीरे धीरे समय के साथ रिफॉर्म्स की बात की गई है और रिफॉर्म्स को सिस्टम ने अपनाया भी है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चे का एक होलिस्टिक चित्र आएगा ना, हमें ये हमें सिर्फ नंबर लेके क्या करना है, सिर्फ नंबर से हमें क्या कुछ हासिल होना है ज़िंदगी में, नहीं होना है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कितने फिट हैं, आप कितने हेल्दी हैं, आप कौन से गेम्स में रुचि रखते हैं, किस में आप एक्सेल हो सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, हम सब सारे एरिया कवर करें फिर देख लें कि कौन किस एरिया में बेस्ट है और उसी में उसको एक्सेल करने के लिए गाइड करें। Last but not the least, the National Curricular Framework of 2023, it has been based on the policy guidelines of the National Education Policy 2020. और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि assessment should measure the achievement of competencies and learning outcomes leading to the attainment of curricular goals. यानी कि curricular के जो goal बनाए गए हैं, जो लक्ष्य हैं हमारे, उस पर आधारित learning outcomes को आपने पा लिया है कि नहीं। Assessment should be constructive, developmental and learning focused. ये constructive होना चाहिए, मतलब बच्चे को आप construct कीजिए, अच्छी बात। Constructive, अगर आपको उसको मतलब फीडबैक देना है तो कंस्ट्रक्टिव दीजिए कि तुमने अच्छा किया है, तुम और अच्छा कर सकते हो, ये नहीं कि तुमने बहुत बेकार किया है तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। फिर असेसमेंट शुड बी स्टेज अप्रोप्रिएट, किस एज का किस स्टेज का बच्चा है आप उससे उसी तरीके का सवाल पूछेंगे ना, छोटे से बच्चे से प्राइमरी के बच्चे से आप बहुत टफ असेसमेंट उसका नहीं कर सकते हैं। फिर असेसमेंट शुड एकोमोडेट स्टूडेंट डाइवर्सिटी, इसीलिए कहा जा रहा ना, व्यक्ति की विभिन्नता, विद्यार्थी की विभिन्नता के हिसाब से आपको असेसमेंट लेना है। किसी से प्रैक्टिकल ले लीजिए, किसी से ओरल पूछवा लीजिए, जो जिसमें अच्छा हो, जिसकी जिसकी जो डाइवर्सिटी है, सबको हमको इंक्लूड करते हुए चलना है, इंक्लूसिव एजुकेशन का भी कंसेप्ट है। फिर असेसमेंट शुड बी सपोर्टेड बाई टाइमली क्रेडिबल एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू द स्टूडेंट, और असेसमेंट में क्या आना चाहिए या कैसे सपोर्ट होना चाहिए, हम समय समय पर विद्यार्थी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देंगे और ये इससे हमारा असेसमेंट और बढ़िया होगा। असेसमेंट शुड सपोर्ट मीनिंगफुल एग्रीगेट और समेशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, और लास्ट में हम सारा समेटेड एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी बनाएंगे। फिर एक और एकदम अच्छी बात, नई बात निकल के आ रही है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात हो रही है कि अब HPC दिया जाएगा। क्या होता है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड? ये नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग NCERT ने इंट्रोड्यूस किया है HPC। ये कह रहे हैं डेवलप बाई परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो परख की बात हो रही है, इसने इसको डेवलप किया है। और परख है क्या? एक स्टैंडर्ड सेट करने वाली बॉडी है जो कि NCERT के अंदर काम करती है, और फाउंडेशनल स्टेज यानी क्लासेस 1 एंड 2, प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि क्लासेस 3, 4, 5, मिडिल स्टेज यानी 6, 7, 8, एंड एज पर सजेशंस बाई दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्लास 1 से लेकर 8 तक आप HPC के तहत आप प्रोग्रेस कार्ड देंगे। और ये डेवलप कौन कर रहा है? परख कर रहा है। तो क्या क्या होगा इसमें? इनकॉर्पोरेट्स फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स, क्लासमेट्स एंड इवन सेल्फ इवेल्युएशन बाय स्टूडेंट्स। भाई ये जो बात हो रही थी ना, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस और सेल्फ रेफरेंस, यानी कि इसमें सबके फीडबैक लेके जाएंगे। पेरेंट्स का क्या फीडबैक है, आपके पीयर आपके बारे पीयर ग्रुप आपके बारे में क्या सोचता है, और आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। द अप्रोच एम्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज, सोशियो इमोशनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटीज। और इस प्रोग्रेस कार्ड में ये भी लिखा जाएगा कि आप में की एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही, आप में संज्ञानात्मक क्षमताएं कैसी हैं, आप में सोशल इमोशनल स्किल्स कैसी, मतलब आप एकदम अलग थलग रहते हैं, आपके बहुत से दोस्त हैं, आप सबसे अच्छा बिहेव करते हैं, और आप क्लास एक्टिविटीज के दौरान कितने क्रिएटिव रहे, ये भी इसमें अंकित किया जाएगा। और जो HPC है वो आपका NCFSE 2023 के अलाइन है, जिसमें की बात की गई है कि लर्नर सेंट्रिक इवैल्यूएशन होगा, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित मूल्यांकन किया जाएगा। फिर HPC विल नो लॉन्गर डिपेंड ऑन मार्क्स और ग्रेड्स, बात हो ही गई कि आप मार्क्स और ग्रेड्स पर नहीं डिपेंड करेंगे, बल्कि हम 360 डिग्री का इवैल्यूएशन करेंगे, हर एरिया बच्चे का देखेंगे, विद्यार्थी का, और वो सब प्रोग्रेस कार्ड पे होना चाहिए।
और आप कह रहे हैं कि रेगुलरली असेस किया जाएगा, फिर विल प्रॉम्प्ट स्टूडेंट्स टू अप्लाई डाइवर्स स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज दैट विल डेमोंस्ट्रेट वेदर दे हैव बीन एबल टू ग्रैस्प कॉन्सेप्ट्स. बहुत तरीके से हम उनसे पूछेंगे कि वो समझ पाए हैं कि नहीं. टीचर्स दस विल बी एबल टू रजिस्टर द स्ट्रेंथ्स ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब हमको ये भी लिखना होगा कि किस बच्चे की कौन सी क्या स्ट्रेंथ है उसके रिपोर्ट कार्ड पे, कि वो क्रिएटिव है, कि वो एम्पैथेटिक है, कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, कि वो कोलैबोरेशन में बढ़िया है, ये सब. उसी तरह से वीकनेसेस भी लिखी जाएंगी इस प्रोग्रेस कार्ड पे, ताकि आगे कहीं वो एडमिशन ले या उसके पेरेंट्स गार्जियंस को पता चले कि वो कौन से एरिया है जहाँ सुधार की जरूरत है. फिर अ की फीचर ऑफ द एचपीसी इज दैट स्टूडेंट्स विल हैव अ से टू इवैल्यूएटिंग देयर ओन एज वेल एज देयर क्लासमेट्स परफॉर्मेंस. और उसमें एक कॉलम आप बच्चे का खुद का रख लीजिए कि वो उसने खुद क्या क्या कहना चाहता है वो अपने बारे में और अपने साथियों के बारे में. इसके अलावा इट इनकरेजेस स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रोग्रेस. आप खुद अपना प्रोग्रेस कार्ड देखिए, आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी जो आपको खुद ना बताओ अपने बारे में. आपका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस क्या है, क्या आप अच्छा करते हैं, क्या आपको सुधार की जरूरत है, इस तरह से. At the middle stage, students are prompted to set academic and personal goals. An ambition card allows students to outline their aspirations. बच्चे को पता चल सकता है कि अच्छा ये एरिया मेरा बढ़िया है, इसका मतलब मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ. उसी तरह से पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपना इनसाइट दे सकते हैं. पीयर ग्रुप, आपका आपके साथियों का ग्रुप भी इसमें बढ़िया रोल प्ले कर सकता है. और ये जो है न्यूमेरिकल ग्रेड से बहुत आगे है. इसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक इवेल्यूएशन आपका होता है, वर्णनात्मक, पूरा आपके बारे में लिखा जाएगा, जिसमें एकेडमिक अचीवमेंट तो होगी लेकिन और एरियाज के अचीवमेंट की भी बात होगी. तो इस तरह से ये शिफ्ट फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट फोस्टरिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्यूएशन एंड होलिस्टिक ग्रोथ. यानी कि जैसे जैसे हम पहले क्या करते थे, सिर्फ समेटिव इवेल्यूएशन करते थे, तो जैसे जैसे हम समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ आएंगे वैसे वैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्यूएशन बढ़ेगा. तो ये रहा सारा कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म की ज़रूरत क्या है, और एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क्स में कही गई है. कौन कौन सा कब कब आया है, 1975 में आया, कितना आया जब शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, फिर 1988 में आया 1986 की शिक्षा नीति के बाद, फिर आपका 1992 की POA आ गए, बहुत सारे आ गए, तो 2000 में फिर आया, 2005 में फिर आया, और 2023 में जो आया है वो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में आया है. तो ये इतनी सारी बातें, मोटी मोटी वही बातें कि आप एग्जामिनेशन को जो है वो बहुत आस्पेक्ट पे जांचिए, बहुत तरीके से जांचिए, बहुत बार जांचिए, सतत जांचिए, और जो जांच के बाद नतीजा है वो बच्चे से शेयर भी कीजिए. हाँ, आप पास फेल मत लिखिए सर्टिफिकेट पे, आप बहुत सारे आस्पेक्ट के बारे में बात करिए, आप डाइवर्सिटी को केटर कीजिए, यही सारी बातें हैं, ठीक है ना. सो इन दिस वे आई हैव कवर्ड दिस वेरी टॉपिक. सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.